हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं मैंगो मलाई कुल्फ़ी। इसे हम दो तरह से सेट करेंगे, एक मटके में करेंगे और एक कुल्फ़ी वाले मोल्ड में करेंगे। ये दोनों तरह से ही खाने में बहुत मज़ेदार लगेगी। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस की फ्लेम हाई रखी है और उसमें 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। हम रबड़ी बना रहे हैं कुल्फ़ी के लिए, तो इसके लिए आप फुल फैट मिल्क ही लें और इसे थोड़ी देर लगातार चलाते रहें और साइड से मलाई को स्क्रेप करते रहें। चलिए जब तक हमारी रबड़ी तैयार होती है, मैंगो काट के तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मैंगोज लिए हैं, इसे फाइनली चॉप कर लेंगे और इसकी प्यूरी बनाएंगे। आम मीठे हों तो मज़ा आता है खाने में और कुल्फ़ी में भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह पूरा स्कूप करके निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने 2 आम को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब इसकी फाइन प्यूरी तैयार कर लेते हैं। इसमें कोई चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि आम बहुत मीठे हैं और हमने रबड़ी में भी चीनी डालनी है, इसीलिए। ये देखिए, दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है। आप दूध को बीच बीच में चलाते रहें। ये नॉनस्टिक पैन है, इसमें चिपकेगी तो नहीं दूध, लेकिन फिर भी बीच बीच में चलाते रहें। और इसमें मैंने थोड़ा सा केसर डाला है ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा आए और कलर भी आ जाए। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ही डालें। अब इसमें डाल देंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी को हम दूध के साथ ही बॉईल करेंगे तो वो दूध में भी बहुत क्रीमीनेस आएगा और चीनी का जो पानी होगा वो नहीं रहेगा, दूध के साथ वो उबल के कम हो जाएगा। ये देखिए, रबड़ी कितनी गाढ़ी होने लग गई है। देखिए, रबड़ी काफ़ी थिक हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। रबड़ी एकदम ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें मैंगो पल्प मिलाएंगे। मैंगो पल्प हमेशा रबड़ी को ठंडे करने के बाद ही मिलाएं, नहीं तो दूध फट भी सकता है मैंगो की खटास से। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको एकदम स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो आप इस समय इसको मिक्सी में चर्न भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रबड़ी डाल के कुल्फ़ी बना रही हूँ तो मुझे इसी तरह का टेक्सचर अच्छा लगता है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ता। आम के साथ पिस्ता का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम कुल्फ़ी सेट करते हैं। पहले मैं इन कुल्फ़ी मोल्ड्स में इसको सेट करूँगी। अब इसके ऊपर हम फॉइल पेपर या क्लिंग रैप कुछ भी लगा के इसे कवर करेंगे ताकि आइस क्रिस्टल्स फॉर्म ना हो। अब चक्कू की मदद से थोड़ा सा छेद करके हम इसमें आइसक्रीम स्टिक्स लगा देंगे। इसे फॉइल लगा के पूरा टाइटली अच्छे से कवर करेंगे और फ्रिज में सेट होने के लिए 7 से 8 घंटे या फिर ओवरनाइट रख देंगे ताकि कुल्फ़ी पूरी अच्छे से जम जाए। यहाँ पे मैंने 2 कुल्हड़ लिए हैं। ये मेरे पास पॉलिश वाले हैं, अगर आपके पास प्योर मिट्टी वाले हैं तो आप उसी में जमाएं। अब हम इसमें कुल्फ़ी सेट करेंगे। मैंने 1 लेयर रबड़ी की लगा दी है, अब उसके बीच में मैंने मैंगो डाला है और ऊपर से थोड़ी सी और रबड़ी डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ता। इसे भी हम फॉइल से कवर करेंगे और फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। ये मैंगो कुल्फ़ी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो हम इसे बना के कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ओवरनाइट कुल्फ़ी फ्रीज़र में रखी थी और ये इतनी अच्छे से सेट हो गई है। आप इसे इस तरह पानी में रख के भी डीमोल्ड कर सकते हैं या फिर हाथ से थोड़ी देर इसे मसल लें और ये निकल जाएगी अच्छे से। देखिए कितनी मलाईदार मैंगो कुल्फ़ी रेडी हुई है और केसर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आ रहा है। ये मटका कुल्फ़ी भी बहुत अच्छे से जम गई है। आप खाने से पहले इसे 1-2 मिनट पहले निकाल लें ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए और हम लोग इसका मज़ा ले सकें, नहीं तो ये बहुत हार्ड रहेगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इस मैंगो सीज़न आप भी ये कुल्फ़ी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अभी पैंडेमिक के टाइम में लोग बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, इसलिए हम घर में इतनी टेस्टी कुल्फ़ी बना के इंजॉय कर सकते हैं। आप मैंगो कुल्फ़ी को सर्व करने से पहले एक तरीका और अपना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा रोज़ सिरप डाल दें।
रोज़ सिरप मैंगो कुल्फ़ी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है खाने में। आप इस तरह सर्व कर सकते हैं। तो इस समर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।